बॉलीवुड में कई बार फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो सुनने में जितनी हैरान करती हैं, उतनी ही दिलचस्प भी होती हैं। ऐसी ही एक घटना 1993 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर के सेट पर हुई, जिसमें सनी देओल, शाहरुख खान और जूही चावला मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सनी देओल और शाहरुख खान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल फिल्म के एक सीन ने सनी को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने अपनी ही पैंट फाड़ डाली। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सनी देओल इस कदर भड़क गए थे और इसके बाद उन्होंने कौन सी कसम खाई जिसे उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। जब सनी देओल से चुपके से छुपाया गया था क्लाइमैक्स सीन, डर फिल्म में सनी देओल लीड हीरो थे जबकि शाहरुख खान विलेन का किरदार निभा रहे थे। शुरुआत में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन सनी से छुपाया गया था, जब असल में इस सीन की शूटिंग का वक्त आया और सनी को बताया गया कि इस सीन में शाहरुख का किरदार उनके कमांडो किरदार को चाकू मारता है, तो सनी हैरान रह गए। सनी का मानना था कि वे फिल्म में एक ताकतवर और ट्रेंड कमांडो का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में एक आम लड़का शाहरुख का किरदार उन्हें कैसे चाकू मार सकता है। यह उनके किरदार के लिहाज से अवास्तविक था। सनी ने इस बात को लेकर यश चोपड़ा से काफी बहस की, लेकिन यश चोपड़ा ने कहानी की मांग का हवाला देते हुए सनी को मना लिया। सनी का फूटा गुस्सा, फाड़ डाली अपनी पैंट। क्लाइमेक्स सीन शूट होने के दौरान सनी का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन उन्होंने चुपचाप सीन शूट कर लिया। लेकिन जैसे ही शूटिंग खत्म हुई, सनी ने गुस्से में आकर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर उसे फाड़ डाला। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और बस इस तरह से उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाला। इसके बाद सनी ने कसम खाई कि वो भविष्य में कभी भी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी इस कसम को कभी नहीं तोड़ा। सनी देओल और शाहरुख खान के रिश्ते में आई दरार। डर के बाद सनी देओल और शाहरुख खान के बीच भी बोलचाल बंद हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया। डर के बाद शाहरुख खान जहां सुपरस्टार बन गए, वहीं सनी देओल ने अपने अलग अंदाज में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। फिल्म डर के दिलचस्प किस्से। यश चोपड़ा की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म को 3.25 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 21.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में शाहरुख खान का रोल पहले आमिर खान करने वाले थे, लेकिन कुछ रचनात्मक मतभेदों के चलते आमिर ने फिल्म छोड़ दी और यह रोल शाहरुख को मिल गया। वहीं फिल्म में जूही चावला की जगह दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में जूही ने उनकी जगह ले ली। सनी देओल का धमाकेदार कमबैक। सनी देओल के वर्का फ्रंट की बात करें तो 2023 में आई गदर 2 ने उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ये फिल्म 2001 में आई गदर 1 प्रेम कथा का सीक्वल थी। आने वाले दिनों में सनी देओल आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे, जो 2025 में रिलीज होगी। इसके अलावा सनी जाट और रामायण जैसी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। रामायण 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। सनी देओल का ये किस्सा बताता है कि बॉलीवुड में सितारों के गुस्से और इमोशंस भी उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी उनकी फिल्में।